इन ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत। और हम जो है संसद के बारे में पढ़ रहे थे, और इससे पहले एक कोटेशन आप बच्चों के लिए, समय अनमोल होता है, समय अनमोल होता है। देखिए विद्यार्थियों, आज के इस भौतिकवादी युग में समय जो है वो बड़ा ही अनमोल है। यानी जो विद्यार्थी समय का सदुपयोग कर रहा है, वह विद्यार्थी और विद्यार्थियों से काफ़ी आगे निकल जाएगा। और जो विद्यार्थी समय का सदुपयोग नहीं कर रहे, अपना समय इधर उधर घूम करके या अपना समय जो नष्ट कर रहे हैं, वह विद्यार्थी और बच्चों से काफ़ी पीछे रह जाएंगे। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों से ये मेरा निवेदन है कि आप समय का सदुपयोग करें, और रोज़ ये जो पढ़ाई जाने वाली ऑनलाइन क्लासें हैं, आप इनका लाभ उठाएं। तो अपनी कॉपी और पेन लेके आप बैठ जाए, और जैसे जैसे हम एक एक बात पढ़ेंगे उसको आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएं। तो हम पढ़ रहे थे संसद के बारे में, और हमने जो है संसद का गठन पढ़ लिया था। ठीक है, इसका गठन हमने पढ़ लिया। और इसी से संबंधित जो है एक प्रश्न हमारे आता है लोकसभा के गठन का। आपने उस पिछले वीडियो में पढ़ा था कि संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्य सभा। और हमारा जो कोर्स है कक्षा 12 का, उसमें जो है लोकसभा का गठन भी अलग से दे रखा है, तो हमें इसका गठन भी पढ़ना पड़ेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, एग्ज़ाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछता है कि लोकसभा के गठन को समझाइए। तो आज हम लोकसभा के गठन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आप प्रत्येक बिंदु को ध्यान से देखें और उसको सीखने का, समझने का प्रयास करें। तो हम जो हैं 12 से 13 बिंदु लेकर के और लोकसभा का गठन पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए, आप अपनी कॉपी में नोट करो लोकसभा का गठन या लोकसभा के गठन की प्रक्रिया। इसमें सबसे पहले हम बताएंगे, सबसे पहला बिंदु हम लेंगे परिचय का, और परिचय में हम क्या लिखेंगे, अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन का उल्लेख है। इसे संसद का प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन, निम्न सदन, अस्थाई सदन, लोगों का सदन भी कहते हैं। तो ये हो गया इसका परिचय। सबसे पहले आप जब भी लोकसभा का गठन बताएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में या वैसे, तो सबसे पहले आप क्या बताएंगे, परिचय के बारे में, जो भी अपन ने देखा। इसके बाद में दूसरा बिंदु हम लेंगे सदस्य संख्या। कहने का मतलब ये है कि हम जो हैं इन एक एक बिंदुओं के माध्यम से लोकसभा के निर्माण की प्रक्रिया को समझाएंगे, और लोकसभा के निर्माण की या गठन की जो प्रक्रिया है वो कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 81 में। ये आप ज़रूर याद रखना कि अनुच्छेद 81 के अंदर जो है लोकसभा के निर्माण का उल्लेख है या इसके गठन का उल्लेख है। दूसरा बिंदु हम देख रहे थे सदस्य संख्या, इसका अर्थ है कि लोकसभा में कितने सदस्य होंगे। तो देखिए, प्रारंभ में 500 निर्धारित की गई थी, यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ और जब सबसे पहले हमारे यहाँ पे लोकसभा के चुनाव हुए, तो उस समय लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी। लेकिन 31वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा ये संख्या जो है 552 निर्धारित कर दी गई। यानी इसका अर्थ ये है कि प्रारंभ में जो संख्या 500 निर्धारित की गई थी, वह संख्या जो है 1974 में एक संविधान संशोधन किया गया, हमारे संविधान में संशोधन किया गया, और उस संशोधन का नाम है 31वां संविधान संशोधन। और इस संशोधन के द्वारा जो है
हमारे लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी कर दी गई, 552 कितनी कर दी गई, 552 कर दी गई। लेकिन यदि हम बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में यह संख्या जो है 545 है। वर्तमान में कितनी है, 545। इसका मतलब कि 7 सदस्य कम। अब तुम सोच रहे होंगे कि ये 7 सदस्य कौन है, तो ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि जो POK का जो क्षेत्र है, POK यानी पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है, पहले हमारे यहाँ से जो है 7 सदस्य लोकसभा में निर्वाचित होकर के आते थे, लेकिन जब से हमारा ये क्षेत्र पाकिस्तान के अधिकृत है उसके बाद में ये 7 सदस्य हमारे यहाँ नहीं आते, इसलिए ये संख्या कितनी रह गई, 545। लेकिन जब भी हमारा भारत इस क्षेत्र को जीत लेगा और वापस ये क्षेत्र भारत में मिल जाएगा, तो ये संख्या वापस कितनी हो जाएगी, 552। तो वर्तमान में यह संख्या कितनी है, 545 है। और ये जो 545 सदस्य है, इनमें से राज्यों से कितने सदस्य निर्वाचित होकर के आते हैं, 530 सदस्य जो हैं वो राज्यों से आते हैं। इसके अलावा केंद्र शासित जो प्रदेश हैं जिनको हम संघ राज्य कहते हैं, उन संघ राज्यों से 13 सदस्य, वैसे तो 20 आते हैं, लेकिन ये जो 7 सदस्य आते थे इस संघ राज्य से, अब वो नहीं आते, इसलिए यहाँ पे संख्या 13 है। और 2 सदस्य कौन से आते हैं, मनोनीत, जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, यानी अनुच्छेद 331 के अनुसार जो है हमारे भारत का राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करता है। अब ये सदस्य संख्या है, इसमें से आपको जो है एक नंबर या 2 नंबर में प्रश्न एग्जामिनर पूछ सकता है, आपसे ये पूछ सकता है कि वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं, तो 545। आपसे पूछ सकता है कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 552। आपसे पूछ सकता है कि लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो आपका उत्तर होगा 2। और आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रपति किस प्रकार के सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करता है, तो आपका उत्तर होगा आंग्ल भारतीय समुदाय के, ठीक है। तो ये संख्या, इसके बाद में हम बात करेंगे योग्यता, यानी इसका अर्थ है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए या निर्योग्यता, दोनों हम साथ में लेकर चल रहे हैं। तो अनुच्छेद 84 में योग्यताओं का उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद 101 और 102 में जो है निर्योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए हमें उस व्यक्ति में कौन सी योग्यता होनी चाहिए, तो सबसे पहले है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 25 वर्ष या अधिक आयु का होना चाहिए, यानी 25 वर्ष से जो कम आयु के नागरिक हैं वह लोकसभा के सदस्य बनने में क्या है, निर्योग्य, क्या है वह, निर्योग्य, यानी 25 वर्ष से कम यदि आयु का व्यक्ति चुनाव लड़ता है और वो यदि वो जीत जाता है तो वह क्या माना जाएगा, निर्योग्य, क्योंकि 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो वह क्या माना जाएगा, निर्योग्य। तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, योग्यता और निर्योग्यता दोनों साथ चल रही है। यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो वह निर्योग्य माना जाएगा, और वह भारत का नागरिक है तो वह योग्य माना जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे। तीसरा, वह लाभ के पद पर न हो, वह लाभ के पद पर न हो। लाभ का पद का मतलब है कि वह किसी भी सरकारी पद पे न होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सरकारी पद पे है तो वह क्या माना जाएगा, निर्योग्य। नंबर 4, वह किसी भी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न हो। यदि कोई व्यक्ति न्यायालय के द्वारा पागल या दिवालिया घोषित है तो वह क्या माना जाएगा, निर्योग्य। और नंबर 5, मतदाता सूची में उस व्यक्ति का नाम पंजीकृत हो, यानी
मतदाता सूची में उसका नाम क्या हो, पंजीयन होना चाहिए। यदि उस व्यक्ति का जो नाम है मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं है तो वह क्या माना जाएगा, निर्योग्य। तो इस प्रकार से ये पांच क्या है, योग्यता। देखिए बच्चों, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएँ होनी चाहिए, तो उस समय आपका जो उत्तर है वो क्या होगा कि अनुच्छेद 84 के अनुसार लोकसभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होंगी या होनी चाहिए, और ये फिर पांच योग्यता जो है आप उस समय अपनी कॉपी में लिखेंगे, तो आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ें, ध्यानपूर्वक लिखें और इनको सीखने का प्रयास करिए। देखिए हमारा उद्देश्य है आपको अधिक से अधिक ज्ञान, आपका ज्ञान बढ़ाना, ठीक है। नंबर चार में आप लिखेंगे निर्वाचन, निर्वाचन या चुनाव। इसका अर्थ ये होता है कि जो लोकसभा के सदस्य हैं इनका चुनाव कौन करता है, तो देखिए वयस्क मतदाताओं के द्वारा लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। यानी अब आप सोच रहे होंगे कि वयस्क मतदाता कौन होते हैं, तो वयस्क मतदाता कौन होते हैं, तो देखिए अनुच्छेद 326 के अनुसार हमारे भारत के संविधान में एक संविधान है 326, तो अनुच्छेद 326 के अनुसार 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं उनको वयस्क माना गया है, और यदि उनका नाम मतदाता सूची में है तो वह वयस्क मतदाता जो है लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो निर्वाचन का जो बिंदु आप लिखेंगे चार, उसमें क्या लिखेंगे, वयस्क मतदाता। फिर है निर्वाचन विधि, इसका अर्थ यह है कि लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो कौन सी विधि से किया जाता है, तो देखिए विद्यार्थियों आप इसमें उत्तर क्या लिखेंगे, प्रत्यक्ष विधि और गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है। इसका अर्थ ये है कि जो जनता है वयस्क जो मतदाता है ये प्रत्यक्ष रूप से स्वयं वोट दे के आते हैं, और वोट भी कैसे देते हैं, गुप्त रूप से। तो इसलिए निर्वाचन विधि में आप क्या लिखेंगे, प्रत्यक्ष विधि और गुप्त मतदान के द्वारा। और यहाँ एक विधि और लगाई जाती है, अग्रताही विजेता, यानी जो भी व्यक्ति चुनाव में व्यक्ति उम्मीदवार खड़े हैं या चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन उम्मीदवारों में जो व्यक्ति सबसे अधिक मत प्राप्त करेगा वही व्यक्ति क्या माना जाएगा, विजयी माना जाएगा, यानी फर्स्ट पोस्ट द पास्ट। इसका अर्थ है कि अग्रता ही विजेता, यानी जो सबसे आगे रहेगा, अग्रता यानी जो सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त करेगा वही क्या माना जाएगा, विजेता माना जाएगा। इसके बाद में नंबर छः, मनोनीत सदस्य। तो नंबर छः में आप क्या लिखेंगे कि लोकसभा का जो निर्माण हम कर रहे हैं इन बिंदुओं के माध्यम से, उसी में एक बिंदु आपने लिया मनोनीत सदस्य। इसका अर्थ यह है कि अनुच्छेद 331 के अनुसार आर्टिकल को जरूर याद रखना, कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद 31 के अनुसार राष्ट्रपति दो सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के लोकसभा में मनोनीत करता है। अभी मैंने आपको यहाँ बताया था कि दो सदस्य जो है वो क्या करता है, और वही आर्टिकल 331 तो मनोनीत करता है। तो और इसके बाद में जो है अगला बिंदु है शपथ, अगला बिंदु कौन सा है, शपथ। तो देखिए नंबर सात, शपथ। इसका अर्थ है कि जो लोकसभा है जब ये सदस्य जीत करके आ जाते हैं तो इनको फिर क्या दिलाते हैं अपन, शपथ। तो अनुच्छेद 99 के अनुसार राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित व्यक्ति लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाता है। देखिए ये आर्टिकल 99 याद रखना, 99 के अनुसार राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित व्यक्ति लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है। इसका अर्थ है कि जो भी सदस्य जीत के आएंगे उनको वो शपथ दिलाएगा, जिसे प्रोटोकॉल सदस्य भी कहा जाता है।
इसके बाद में है कार्यकाल। इसका अर्थ यह है कि जो लोकसभा के सदस्य है वो कितने वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं या कितने वर्ष तक जो है वो अपने पद पे कार्य करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्यकाल। तो अनुच्छेद 83 के अनुसार लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। लेकिन प्रधानमंत्री, यहाँ पे मैंने पीएम लिखा है, इसका अर्थ है प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसे समय से पहले भी भंग कर सकता है। यानी लोकसभा को जो है प्रधानमंत्री के सलाह पे राष्ट्रपति यदि समय से पहले भंग कर दे, यानी 5 वर्ष से पहले यदि भंग कर दे, तो उस कंडीशन में वहीं पे उनका कार्यकाल क्या माना जाएगा? समाप्त माना जाएगा। तो लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसे समय से पहले भी भंग कर सकता है, या फिर कोई सदस्य स्वयं त्याग पत्र दे दे, या किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए, या कोई सदस्य जो है दल बदल कानून का दोषी हो, या वह क्या पाया जाए, निर्योग्य पाया जाए, तो उस कंडीशन में जो है उनका कार्यकाल समय से पहले भी क्या हो सकता है, समाप्त हो सकता है। लेकिन 83 के अनुसार जो है लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पेपर में आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो उस समय आप क्या उत्तर देंगे, 5 वर्ष का। फिर इसके बाद में है पदाधिकारी। इसका अर्थ है कि जो लोकसभा है संसद का प्रथम सदन या अस्थायी सदन, तो इसमें कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं? तो एक अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष। तो देखिए पदाधिकारी में आप क्या लिखेंगे कि अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष। और ये जो 545 सदस्य है लोकसभा के, ये अपने में से एक अध्यक्ष चुनते हैं और अपने में से एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। तो ये जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं ये इन्हीं सदस्यों में से चुने जाते हैं। इसके बाद में नंबर 10 गणपूर्ति या कोरम। अब गणपूर्ति या कोरम, इस गणपूर्ति का अर्थ क्या होता है? देखिए न्यूनतम सदस्य जिनसे बैठक बुलाई जा सके, यानी 545 में से कितने सदस्य मौजूद हो जिससे सत्र या बैठक बुलाई जा सके, सत्र या बैठक, या हम इसको सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, सभा बुलाई जा सके। तो न्यूनतम जो संख्या है इसको क्या कहा जाता है, कोरम या गणपूर्ति कहा जाता है। यानी ये जो कुल सदस्य हैं इनकी कम से कम कितनी संख्या हो, तो न्यूनतम संख्या को हम क्या कहते हैं, गणपूर्ति या कोरम। तो लोकसभा की गणपूर्ति कितनी है? तो लोकसभा की जो गणपूर्ति है वो देखिए अनुच्छेद 100 के अनुसार लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम 55 सदस्य हैं, क्योंकि हमारे भारत में जो है कुल सदस्यों का 10वां भाग, जो कुल सदस्य हैं इनका 10वां भाग जो है वो क्या माना जाता है, गणपूर्ति मानी गई है। तो 545 सदस्य जो हैं इनका 10वां भाग कितना होता है, 54.5। तो यहाँ पे हम एक पूरा ले लेंगे तो कितने हो गए, 55। तो याद रखना इस चीज़ को कि लोकसभा की गणपूर्ति है 55 सदस्य, यानी कुल सदस्यों का 10वां भाग। इसके बाद में अगला बिंदु आएगा सत्र, यानी लोकसभा का जो गठन हम पढ़ रहे हैं इसमें आप अगला बिंदु क्या लेंगे, सत्र का। और सत्र में क्या लिखेंगे, अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर लोकसभा के सत्र बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, यानी प्रधानमंत्री की सलाह पे जो है
राष्ट्रपति समय समय पर लोकसभा के सत्र बुलाता है एवं सत्रावसान करता है। अब सत्रावसान का अर्थ क्या है, यानी सत्र की समाप्ति करता है। लोकसभा के एक वर्ष में तीन सत्र होते हैं, और वो तीन सत्र कौन कौन से होते हैं, तो एक वर्ष में जो है लोकसभा के तीन सत्र होते हैं। नंबर एक बजट सत्र, नंबर दो मानसून सत्र, और नंबर तीन है शीतकालीन सत्र। और ये जो बजट सत्र है ये कब चलता है, फरवरी से लेकर के और मई के बीच में कभी भी हो सकता है। मानसून सत्र जो है ये जुलाई से लेकर के सितंबर तक कभी भी हो सकता है, और शीतकालीन सत्र जो है ये नवंबर से दिसंबर के बीच में कभी भी हो सकता है। और जब सत्र चलता है तो उस समय सत्र में जो अध्यक्षता जब बैठक होती है, जब सदस्यों की बैठक होती है संसद उस लोकसभा भवन में, तो उस समय उनकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। यानी सत्र बुलाने का अधिकार तो राष्ट्रपति के पास में है, लेकिन सत्र के अंदर जो अध्यक्षता है वो कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, पीठासीन अधिकारी। तो जो पीठासीन अधिकारी है लोकसभा के अंदर लोकसभा का अध्यक्ष होता है, और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति पीठासीन अधिकारी होता है। ठीक है, तो ये सत्र हो गए। और इसमें एक नोट है जो अक्सर एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाता है, और वो नोट क्या है कि दो सत्रों में 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। यानी एक सत्र जैसे मान लीजिए 31 मार्च को समाप्त हुआ, तो अगला सत्र जो है वो 6 महीने से पहले पहले ही बुला लिया जाएगा। यानी एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में जो है 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अब देखिए इनमें से बहुत सारे प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में एक नंबर में या दो नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। पहला तो ये पूछ सकता है कि लोकसभा के सत्र कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। लोकसभा के कितने सत्र होते हैं एक वर्ष में, तो 3 सत्र होते हैं, आपसे नाम पूछ सकता है। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि दो सत्रों के बीच में अधिकतम कितना अंतर हो सकता है, तो 6 माह से अधिक अंतर नहीं हो सकता। तो आप जो है इन बड़े प्रश्नों के साथ साथ एक नंबर या दो नंबर के प्रश्नों को भी जो है अपने दिमाग में याद करते हुए चलें। अगला है नंबर 12वां, और वो क्या है, वेतन और भत्ते। लोकसभा सदस्यों को जो है संसद के द्वारा निर्धारित वेतन दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने लोकसभा के सदस्यों का वेतन फिक्स क्यों नहीं बताया, तो प्यारे विद्यार्थियों लोकसभा के सदस्यों का जो वेतन है वो बढ़ता रहता है। यानी जो भी संसद तय करेगी ना, वो संसद जो भी तय करती है वही वेतन जो है और भत्ते इनको दिए जाते हैं, और गणपूर्ति मैंने आपको बता ही दिया। तो इस प्रकार से जो है आप लोकसभा की जो संरचना है, आप जो है लोकसभा का जो गठन है वो इन 12 बिंदुओं को लेकर के आप बता सकते हैं। आप जो है इस वीडियो को दोबारा से देखें, दोबारा से आप इन चीज़ों को सुनें, दोबारा से आप इनको पढ़ें। कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैं एक बात को दो बार रिपीट करता हूं, तो विद्यार्थियों मैं तुम्हें स्थाई याद कराने के लिए जो है किसी बात को दो बार रिपीट करता हूं, ताकि वो तुम्हें अच्छे से याद हो सके। और इसके बाद में जो है कल की क्लास में हम पढ़ेंगे राज्यसभा का गठन, क्या पढ़ेंगे, लोकसभा की जगह हम क्या पढ़ेंगे, राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, राज्यसभा का गठन। और विद्यार्थियों मैं तुम्हें एक बात और बता दूं कि अब की बार जो है आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में या तो पूछेगा संसद का गठन, या तो आपसे क्या पूछेगा, संसद का गठन, या फिर आपसे पूछेगा लोकसभा का गठन, या फिर पूछेगा राज्यसभा का गठन, क्योंकि अभी तक गठन के बारे में प्रश्न नहीं बना। तो आप जो है संसद का, लोकसभा का और राज्यसभा के गठन को ध्यान से पढ़ें, और इन चीज़ों को बार बार रिवाइज करें। तो समर्पण की इन ऑनलाइन क्लासों में आपका फिर से स्वागत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।